लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आपके साथ मैं हूं साक्षी। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। कैलाश विजयवर्गीय ने गेंदेश्वर मंदिर में बहाई सूरों की गंगा, अपने भजनों से सभी को किया मंत्रमुग्ध। आपसी लेनदेन के चलते ऑटो डील पर काम करने वाले युवक पर एक वकील ने किया धारदार हथियार से वार, युवक की हालत गंभीर। स्कूल चले हम अभियान के तहत जेके मेमोरियल कॉन्वेंट हाई स्कूल ने बच्चों को अपना नाम और अनाराम लिखना सिखाया। बच्चों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। अपने बेटे की रिहाई के दूसरे दिन भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के गेंदेश्वर मंदिर में जमकर भजन गाए। इस दौरान भाजपा महासचिव द्वारा गाए भजनों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय की माता अयोध्या देवी की पुण्यतिथि पर आयोजित सुंदरकांड में परदेशीपुरा गेंदेश्वर मंदिर पर भाजपा महासचिव ने भगवान की स्तुति की। बता दें कि एक और मां की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया तो दूसरी और बेटे की जेल से रिहाई की खुशी, दोनों ही पलों को एक समय में विजयवर्गीय ने मंदिर पहुँच कर साझा किया। आपको बता दें कि भाजपा महासचिव को बेटे आकाश की जेल यात्रा के दौरान बीते सप्ताह कई उतार चढ़ाव देखने पड़े। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। आपसी लेनदेन के चलते ऑटो डील पर काम करने वाले युवक पर एक वकील ने धारदार हथियार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के महाकाल चौराहे का है। यहाँ हनी सलूजा अपनी दुकान की ओर जा रहा था, तभी राजेश वर्मा ने उसे रोका और पुराने पैसों के लेन देन को लेकर विवाद करने लगा। बात बात में विवाद इतना बढ़ गया कि राजेश ने अपने पास रखा चाकू लेकर हनी पर हमला बोल दिया, जिससे हनी के सिर और पेट में गंभीर चोटें आई है, जिसे तत्काल उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी पेशे से वकील है और रियल स्टेट का काम करता है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चौधरी अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कि हनी सलूजा करके कोई व्यक्ति है जो घायल अवस्था में भर्ती हुआ है, जिसके जांच के लिए टोपो साहब गए थे, जिन्होंने उसके जांच में बताया कि उसने अपनी जांच में बताया कि एक राजेश वर्मा करके उससे कुछ पैसे का लेन देन है। पैसे के लेन देन के चलते वो उससे महाकाल चौराहे पर रोका, रोक के उससे पैसे के बारे में लेन देन के बारे में बातचीत हुई। फिर बातचीत के चलते उसने बताया कि उसने अपनी कमर में से एक चाकू निकाला, जिससे उससे प्राण घातक हमले करने का प्रयास किया, जिससे उसके सर में चोट आई है, जो गंभीर अवस्था में होकर अभी इलाजरत है टी चौधरी अस्पताल में, जिसका इलाज चल रहा है। उसकी रिपोर्ट उसका जांच करके उसकी देहाती नालसी ली गई। देहाती नालसी के बाद उसका अपराध असल अपराध पंजीबद्ध कर उसके विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान जल्दी कार्रवाई करके उसका आरोपी राजेश वर्मा करके उसको तुरंत गिरफ्तार किया। आपका पूरा ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। स्कूल चले अभियान के तहत
सोमवार को आजाद नगर स्थित जेके मेमोरियल कॉन्वेंट हाई स्कूल द्वारा नर्सरी के बच्चों को पहले दिन अपना नाम और अनाराम लिखना सिखाया। इसके पश्चात मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल द्वारा बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। अभियान के दौरान स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वहीं शुरुआती दौर में नर्सरी के बच्चों को टीचर्स द्वारा खेल खेल के साथ पढ़ाई कराई जाती है। इससे बच्चों का दिमाग तंदुरुस्त और दुरुस्त रहता है। वहीं स्कूल बच्चों के लिए लगातार ही गतिविधियां स्कूल द्वारा की जाती है। सोमवार को स्कूल चले हम अभियान के तहत स्कूल प्राचार्य द्वारा स्कूल प्रवेश के दौरान बच्चों के माता पिता का भी अभिवादन किया गया। नर्सरी क्लास वाले बच्चों के लिए फर्स्ट डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया है स्कूल आरंभ के रूप में। इसके माध्यम से हम बच्चों को और पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमारा स्कूल में पहला कदम रख रहे हैं। अंग्रेजी की कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत आधे काम को पूरा कर देती है। इसी बहस पे हम चाहते हैं बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को ये मैसेज देना चाहते हैं नर्सरी क्लास के बच्चों को कि वो यहाँ पे शिक्षा हासिल करने आ रहे हैं और वो खेल खेल में शिक्षा हासिल करने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। इंदौर में सोमवार को 5 दिनों से चल रही 58वीं पश्चिम जोन अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। स्पर्धा में उज्जैन और इंदौर संभाग के 260 खिलाड़ी भाग लेने आए थे, जिन्होंने अलग अलग खेल स्पर्धा में अपने कौशल का परिचय दिया। प्रतियोगिता का समापन उज्जैन संभाग के DIG राकेश गुप्ता ने किया। समस्त खेलों में सबसे अधिक ट्रॉफी लेने पर उज्जैन के DIG राकेश गुप्ता ने बधाई दी। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का नाम प्रस्तावित कर उन्हें भोपाल भेजा। हैंडबॉल में द्वितीय स्थान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करी है शाजापुर ने। हैंडबॉल में विजेता का खिताब सिरमौर। बास्केटबॉल के परिणाम हैंडबॉल से मिलते जुलते रहे हैं। बास्केटबॉल में उपविजेता जिला शाजापुर। इसके पश्चात टीम चैंपियनशिप। टीम गेम्स में सभी में प्रथम टीम चैंपियनशिप प्राप्त करते हुए फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। ओवरऑल चैंपियनशिप 58वीं पश्चिमी जोन खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ है। मंच के दाहिने ओर सभी खिलाड़ियों का बहुत इन खेलों का आयोजन इंदौर जिले में किया गया। बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता रही। पिछले 5 दिन से लगातार ये खेल का माहौल यहाँ बना रहा और सभी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया है। इंदौर जिला इस पूरे खेल में प्रथम आया है। मैं अपनी ओर से इंदौर जिले को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन इसमें किया। अब हमारी एक पूरी जोन की टीम बनेगी और जो भोपाल में राज्य स्तरीय मैच होंगे उसमें ये भाग लेगी। टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करे इसके लिए हम लोग इसकी और बहुत अच्छी तैयारियाँ कराएंगे। रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का स्थापना दिवस सोमवार को आयोजित किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में विद्युत मंडल कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए। पोलो ग्राउंड स्थित कंपनी मुख्यालय के नवीन सभागार में स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके बाद ऊर्जा विभाग एवं कंपनी में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए कर्मचारियों अधिकारियों का सम्मान भी किया गया। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने कई अनुभव कर्मचारियों के साथ साझा किए। इसके साथ ही आने वाले दिनों में किस तरह कार्य करना है इस बारे में भी कार्यक्रम में दिशा निर्देश दिए गए। ऊर्जस ऐप के लिए हम लोग बड़े वृहद रूप से प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बिजली का बिल है, बिजली के बिल के माध्यम से भी उनको सूचना करें, साथ ही साथ SMS के माध्यम से भी हम लोगों को सूचनाएं प्रेषित कर रहे हैं, और इसके अलावा जितने भी जगह कॉल सेंटर्स में हमारे लोग उपलब्ध हैं उनके माध्यम से हम इसके प्रचार प्रसार के लिए वृहद रूप से हम प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।